बच्चों, कैसे हैं आप सब? पर्यावरण अध्ययन के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 2 पाठ 3 जल इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बच्चों, जल को हम आम भाषा में क्या बोलते हैं? जी हाँ, पानी। तो एक बात बताइए, हमें जल या पानी की आवश्यकता क्यों होती है? हम सभी को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। हमें विभिन्न कार्यों और गतिविधियों के लिए भी जल की यानी कि पानी की जरूरत होती है। अब ये बताइए कि जल का उपयोग क्या है? हम किस किस काम में पानी का उपयोग करते हैं या पानी का इस्तेमाल करते हैं? ये देखिए इस चित्र में। जी हाँ, पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, गाड़ी धोने के लिए भी। आपने देखा होगा ना, स्कूटर, साइकिल, गाड़ी, कोई भी यातायात का साधन हो, उसे धोने के लिए पानी की जरूरत होती है। पौधों में पानी देने के लिए, ये प्रकृति पौधों यानी कि जंगलों से, पेड़ पौधों से, इन सब से बनी हुई है। और हमारे घर के आसपास जो भी पौधे होते हैं उसमें हम पानी डालते हैं, तभी तो वो बड़े होते हैं ना। जंगल में पानी कहाँ से आता है? हाँ, बारिशों से। बारिश हो, तालाब हो, या आसपास कोई नदी झील बह रही हो, तो वहां से जंगलों में पानी चला जाता है। अगला उपयोग क्या है? खाना बनाना। जी हाँ, खाना बनाने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, ये तो ये हो गया कि पानी हमें चाहिए किस चीज के लिए होता है, पर पानी आता कहाँ से है? जल के स्रोत कौन कौन से हैं? कुआं, नदी, झील, और कोई स्रोत पता है बच्चों? जी हाँ, तालाब, ये हैंडपंप या नलकूप, और सबसे आसान जो हर घर में है, नल। ये सारे हमारे जल के स्रोत हैं। इन सब से हमें पानी मिलता है। तो बच्चों, जब पानी इतना जरूरी है तो इसको बचाना भी तो उतना ही जरूरी हो गया ना। तो आइए अब हम देखते हैं कि पानी को बचाने के विभिन्न तरीके। सबसे पहले हमें नल का उपयोग करने के बाद उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। हमें जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। प्रयोग करने के बाद बचा हुआ पानी फेंकना नहीं चाहिए। इसे अन्य कारणों के लिए हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कपड़े धोने के बाद बचे हुए पानी का शौचालय में प्रयोग किया जा सकता है, और कार या गाड़ी धोते समय या बगीचों में पानी देते समय हमें पाइप की अपेक्षा बाल्टी और मग का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पाइप से तो बहुत ज्यादा पानी चला जाता है, पर बाल्टी और मग का उपयोग करेंगे तो जितनी जरूरत होगी हम उतना ही पानी देंगे। तो बच्चों, है ना ये कुछ छोटे छोटे तरीके जिनसे हम पानी यानी कि जल की बचत कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आपने क्या जाना इस वीडियो में। तो ये बताइए, सबसे पहला जो ये चित्र है इसमें क्या हो रहा है? जी हाँ, कपड़े धोए जा रहे हैं, इसमें नहा रहे हैं, खाना बनाना, और इसमें गाड़ी धोना। तो बच्चों, अब मुझे आशा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको जल का उपयोग किस तरीके से करना है। तो आइए अपनी भूमिका निभाएं और वाटर स्मार्ट बनें। वाटर स्मार्ट का मतलब अच्छे तरीके से हम जल का उपयोग करें और उसकी बचत करें। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इसे अपने साथियों के साथ जरूर साझा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।